नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कुकिंग विद नेहा सिंह चैनल पर। और आज हम आपके साथ ट्रेन वाले चने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसे मैंने उबालकर बनाया हुआ है बिना तेल के। आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने खीरा लिया हुआ है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला का इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा सा प्याज मैंने बारीक काट लिया था, थोड़े से टमाटरों को भी मैंने बारीक काटा हुआ है, और नींबू का रस, और आधी छोटी चम्मच में धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी धनिया को काट लिया है, और उबले हुए चने का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम एक बाउल ले रहे हैं, इसमें मैं उबले हुए चने डाल रही हूँ। चने को मैंने रात भर फुलाने रख दिया था और सुबह मैंने इसमें 4 सीटियाँ लगा दी हैं कुकर में डाल के। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, साथ ही में थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे। चने को उबालते टाइम आप थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दें। अब हम इसमें खीरा डाल रहे हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, साथ ही में चाट मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची यूज़ कर रहे हैं। अब हमने इसमें धनिया भी डाल दी है कटी हुई। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक चम्मच की सहायता से। और सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक भी आप स्वाद अनुसार यूज़ करें। उबलते टाइम हमने चने में नमक डाल दिया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। लीजिए, तैयार हो चुके हैं हमारे ट्रेन वाले चने। आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।